फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आपकी एड़ियां कभी फटेंगी नहीं, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनी रहेंगी और इस रेमेडी का असर आपको 2 दिन में ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कैंडल ली है और यहाँ मैंने ली है कढ़ाई, क्योंकि हम इस कढ़ाई में बनाएंगे इसे। आप और कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास छोटी कढ़ाई है तो मैं इसी में इस रेमेडी को बनाऊंगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप इसके लिए 2 से 3 कैंडल ले सकते हैं। मैं यहाँ कम क्वांटिटी में बनाऊंगी तो यहाँ मैंने एक ही कैंडल ली है। मैंने यहाँ एक पिलर लिया है तो इससे हम अच्छी तरह से इसको पतले पतले टुकड़ों में निकाल लेंगे और बाकी का जो बीच का हिस्सा बचता है इसे मैं हाथों से ही तोड़कर निकाल लूंगी। इसमें जो बीच में धागा आता है ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इसे खींचेंगे तो ये निकल आएगा। तो यहाँ मैंने इस तरह से सारा मोम निकाल लिया है और यहाँ मैंने धागे को भी अलग कर दिया है। अगर धागा इसमें चला जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसे जब हम पकाएंगे तो भी ये बहुत ही ईजिली निकल आता है। तो कैंडल को इस तरह से छोटे पीसेस करने के बाद आप इसे नाप लीजिएगा कि ये कितना निकले हैं। तो यहाँ मैंने कैंडल को छोटे पीसेस में करने के बाद नाप लिया है तो ये मेरे 3 चम्मच निकले हैं, जो घर के खाने वाले चम्मच होते हैं उतने ही निकले हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 4 चम्मच भर के सरसों का तेल, उसी चम्मच से जिस चम्मच से मैंने इसे नापा था। अब गैस की फ्लेम स्लो रख के मैं इसमें कढ़ाई रख दूंगी और स्लो फ्लेम पे हम इसे स्टर करते रहेंगे। स्लो फ्लेम पे ही हम इसे बनाएंगे इस रेमेडी को। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मोम मिक्स हो गया है हमारे सरसों के ऑयल में। तो अच्छे से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने गैस से इसे उतार लिया है क्योंकि सिर्फ हमें इसे मेल्ट ही करना है। अब यहाँ मैंने लिया है वेसलीन, हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच वेसलीन। अगर आपके पास वेसलीन नहीं है तो आप इसके बजाय 1 चम्मच या 2 चम्मच कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। वेसलीन से क्या होगा, अगर आपकी एड़ियाँ ज़्यादा फटी हुई हैं तो बहुत ही जल्दी इससे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ मैंने इवियन के कैप्सूल लिए हैं, विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, मार्केट में बहुत ही ईजिली ये मिल जाते हैं। मैं इसमें 2 कैप्सूल इसमें डाल दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं हमने 2 कैप्सूल इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़ा गर्म है तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिल जाएंगी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये सेट होना शुरू हो गया है मेरे चम्मच में। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ मैंने इसे कांच के बाउल में निकाला है। आपके पास कोई और अच्छा कंटेनर हो साफ़ सुथरा, आप उसमें इसको डाल सकते हैं और डालकर आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और जब मन चाहे आपका आप अपनी एड़ियों की इससे मसाज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये सेट होने लगा है। और अभी विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स में ये बहुत ही जल्दी सेट होने लगता है। लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इससे आपकी एड़ियों की जब आप मसाज करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा नज़र आने लगेगा। 1 से 2 बार में ही आप देखेंगे आपकी एड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट और साफ़ होने लगेंगी। और इसका सही तरीका ये है कि आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और अच्छी तरह से साफ़ करते हुए इसकी आप मसाज करें और मसाज करके अपनी एड़ियों की आप अच्छे से सॉक्स पहन लें। आप इस रेमेडी को रात में सोने से पहले लगाएं और आप इसमें सॉक्स ज़रूर पहनें और साथ ही आप सुबह भी इसको लगाएं। आप दिन भर में अगर 3 बार लगाएंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अगर आप 3 बार नहीं लगा पाते हैं किसी वजह से तो आप 2 बार तो इसे लगा ही लें। और इसे लगाने के बाद आपके पैरों में सॉक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी एड़ियाँ जब भी फटती हैं जब हम नंगे पैर रहते हैं तो कोशिश यही करें कि आपके पैरों में स्लीपर्स होना ज़रूरी है। सॉक्स पहनना भी बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपके पैर बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, बहुत ही मुलायम रहेंगे और एड़ियाँ फटने की शिकायत आपको कभी भी नहीं होगी। यहाँ आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट ही हुए हैं, ये पूरी तरह से सेट हो गया है। तो आपको क्या करना है, किसी साफ़ सुथरे कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और आपको जब भी टाइम मिले तो 2 से 3 बार इसकी मसाज ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी करें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें।
कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी।